अच्छा ऐसे नहीं ले जाने, अच्छा नहीं तो ग्रोथ में जाएंगे। हाँ। इनको जैसे भी हो नीचे करिए, अगर आप बांध सकते हो सुतली से तो बांध सकते हैं। हाँ। ये सुतली से जो है आप यहाँ भी बांध सकते हो। हाँ। ये जैसे नाशपाती का पौधा है। हाँ। तो इस पे जो है हमें वेजिटेटिव ग्रोथ पे जो है कम ले जाना है। हाँ। अब जैसे यहाँ पे है। हाँ। तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ जा रही है और उल्टी जा रही है, उल्टी जा रही है, तो इसको हम जो है यहाँ से काट देंगे। ठीक है ना सर। यहाँ पे जो है ये फालतू की जो है ये शूट बढ़ रही है। हाँ, शूट ये इसको हटा देंगे। हाँ। तो ये जो है यहाँ पे जो बंद आंखें हैं। हाँ। ये खुल जाएंगे और ये फ्रूटिंग में आना शुरू हो जाएगा। अच्छे से ये यहाँ पे इसका रिंग मार दो। हाँ। ये रिंग मार दो। ये रिंग रिंग से क्या होगा, पीछे से बैक मारेगा, बैक मारेगा, जो शेप है ये बैक मारेगा, तो ये जो है ये फ्रूटिंग में बंद आंखें हैं ये खुलनी शुरू हो जाएंगी और ये फ्रूटिंग में आना शुरू हो जाएगा। बंद तो ये तो वो टेक्निकल जॉब है। अनाड़े आदमी कर दे तो पेड़ खराब हो जाएगा। मैं तो खुद ही कराता घर पे, मैंने कहा नहीं यार, इसकी ट्रेनिंग लेनी, प्रूनिंग की जो है आपको किसी कुशल जो है मतलब काम करने वाले से जो है। हाँ। ये काम सीखना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो जो है उल्टा सीधा काट करके जो है फल जाएंगे, ये वेजिटेटिव ग्रोथ पे जाएगा। हाँ। और जब जाएगा तो फिर फ्रूटिंग पे नहीं आएगा। हाँ। तो आपको जो है इसको कंट्रोल में रखना है। हाँ। पौधे को अब जैसे जो है सपोज हमको किसी को जो है जैसे कि जैसे यहाँ पे है ये। हाँ। अब हमें जो है ये ग्रोथ जा रही है, अगर हम इसका हेडबैक देंगे तो ये ग्रोथ को और आगे को मारेगा। तो जो शेप जो वहाँ से चल रहा है वो सीधा आगे को निकलता चले जाएगा और टहनी पे जो है फ्रूटिंग नहीं बनेगी। तो हम इसको जो है यहाँ से वीक पे डाल देंगे। अच्छा। ये वीक पे डाल दिया। हाँ। इसका जो है यहाँ से जो है ये जो आंखें हैं ये खुलनी शुरू हो जाएंगी, तो ये फ्रूटिंग में आना शुरू हो जाएगा। काम तो बहुत टेक्निकल काम है, तो बहुत सर, बहुत सर। अगर हम खुद ही करेंगे तो हमसे नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं। तो आप ये ट्रेनिंग ली कहीं? मैं जो है समय समय पर मैंने बताया कि मैं हिमाचल जाता रहता हूँ, वाई एस परमार यूनिवर्सिटी में जो है बड़े साइंटिस्टों के ये हेड बैग है, ये हेड बैग तो इसे कहेंगे ना, हेडबैग। अच्छा, ये जो ऊपर जा रहे हैं, ये जो मेन ब्रांच, जो मेन ब्रांच को मारनी है, जो मेन ब्रांच है, अगर हमें जो है इसकी ग्रोथ को आगे ले जाना है। हाँ। पौधे को और अच्छी। हाँ। अच्छा बढ़त देनी है। हाँ। तो ये हेडबैग को, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे को बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा हेडबैग। लेकिन अगर इसी को हमें रोकना है, रोकना है, इसको रोकना है। हाँ। तो हम इसको ये वीक पे चला देंगे। अच्छा। ये हटा देंगे। हाँ। तो ये जो है यहाँ पे इस बार जो है इस पे बीमा बनने लग जाएंगे। हाँ। ये जैसे बीमा बन गए हैं। हाँ। तो ये अगली बार में फ्रूटिंग पे आ जाएगा। अच्छा, तो ये बीम से ही फ्रूटिंग होगी। हाँ। बीम बनने। अच्छा, हेड बार अगर ऊपर से काटोगे तो ऊपर ही जाएगा वो। हाँ। तो हमें रोकना है, रोकना है, अगर पौधे पे आपको फ्रूटिंग लाना है। हाँ। क्योंकि अभी हमारी जो है कटिंग चल रही है। हाँ, चल, पहली बार इस पौधे पे आया हूँ। हाँ। तो जैसे अभी हमें फ्रूटिंग पे लाना है। हाँ। तो हमें कमजोर पे चलाना पड़ेगा। अच्छा, कमजोर, यहाँ पे एक टहनी छोड़नी पड़ेगी, एक टहनी। अगर हम इसकी टहनी छोड़ेंगे नहीं। हाँ। तो इस पे कैंकर आने की संभावना रहती है, खासकर सेब पे। नाशपाती झेल लेता है, पुलम झेल लेता है, आड़ू नेक्टरीन झेल लेती है, लेकिन सेब पे कैंकर आने की समस्या रहती है। तो इनको जो है ये कमजोर उड़ा दे, नहीं कमजोर पे रखना है, एक उड़ाना नहीं है, एक रखना है, ये रखना है, जब ग्रोथ को पीछे धकेलना है, एक रखना है, ताकि जो है ये जो ये आंखें जो है ये खुल जाएंगे और अगली बार इस पर नाशपाती आनी शुरू हो जाएगी। ये जैसे मैंने ये वीक पे डाल दिया। ऊपर से मारते तो ये ऊपर से अगर हम यहाँ से मारेंगे तो सीधे ऊपर जाएगा, तो ये ग्रोथ लेगा, ग्रोथ लेगा, ग्रोथ लेगा, तो जो है ये आंखें जो है खुलेंगी नहीं। अगर इसको यही रोकना है तो ये कमजोर टहनी को छोड़ दो। हाँ। उसमें से जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे उस पे मार दें हम, रिंग पे मार दें यहाँ पे, ये ज्यादा। तो अभी हमारे 3 साल के पौधे, उनको क्या करें, यही ग्रोथ रोके? नहीं नहीं नहीं, अभी आपको जो है 3 साल के हो गए। रूट स्टॉक कौन सा है? 106 हो गए, 7। हाँ, मतलब रूट स्टॉक है 106 107। अभी उसको जो है 5 फीट तक जाने दें, ऊपर जाने दें, ऊपर। हाँ, 5 फीट, 5 फीट के बाद जो है उसको रोकना शुरू करें। अच्छा, अभी तो उसको ऊपर जाने दें, अभी 5 फीट तक। हाँ, नीचे काट दें। आप छोटे को अगर रोकना शुरू करेंगे। हाँ, तो जो फ्रूटिंग में तो आ जाएगा। हाँ, लेकिन जितने फ्रूट उस पे आने चाहिए नहीं आएगा, उतने नहीं आएंगे, छोटे रह जाएगा, तो पौधा छोटा ही रह जाएगा। तो अभी ऊपर जाने दें, लेकिन साइड की कटिंग कट मार दें। साइड को जो है अभी जो है उसकी कैनोपी जो है, जो ये टहनियां हैं, टहनी है,
इनको जो है आप 45 डिग्री पे जो है किसी तरह से जो है यहाँ से रस्सी से बांध करके मेन तने पे इनको जो है इतने पे झुका दे, ठीक। और जो लीडर है, लीडर को जो है आप ये जैसे लीडर के सामने ये जैसे ये इस साल की वेजिटेटिव ग्रोथ है ना, तो आप इसको हटा दें। अच्छा, इसको भी हटा दें। अच्छा, ऊपर से जाएगा, इसको भी हटा दें अगर हटाना चाहें। हाँ, तो सीधे ऊपर जाएगा। रहने दीजिए, ये जो निप्स है इसको रहने दीजिए और यहाँ हेडबैग कर दीजिए। अच्छा, तो ऊपर हेडबैग से ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर को जाएगा, ठीक। उसी तरह से जो ब्रांच है, ब्रांच में जो है कम से कम जो है एक ब्लस्त का जो है फर्क रखें ब्रांच से ब्रांच ना। खैर, इस पे ज्यादा है लेकिन जो ये रूट स्टॉक वाले हैं उन पे थोड़ा सा, और हर दिशा में रखें अलग अलग। अच्छा, ठीक। और उनकी भी हेडबैग जरूर करें। हाँ, जब तक 5 फीट तक जाते हैं। हाँ, 5 फीट तक। उसके बाद उसकी ग्रोथ रोकना शुरू करें। हाँ, और जो है ये जो बाकी ये फालतू जो ये टहनियां हैं, फालतू है, इनको जो है रोकने के ये रिंग से रोकने की कोशिश करें ताकि जो है फ्रूटिंग में आना शुरू हो। तो अभी फ्रूट न लेने पर अभी कितने साल के हुए? 2 साल। 2 साल हो गए। इतने बड़े, इससे लंबे हो गए, इससे लंबे हो गए। मैंने आपकी वीडियो में जो है उन पौधों की जो कैनोपी बना रखी है उसको थोड़ा सा कैनोपी को आपको सही करना पड़ेगा। काटने पड़ेंगे? नहीं, समझदारी से काटने पड़ेंगे। ऐसे नहीं क्या चीज पकड़ दी हाथ पर कहीं से भी काटते चले जाओ, ऐसा नहीं। उसको समझना पड़ेगा। हर दिशा में जो है आप अपनी टहनियां छोड़ें, ऐसी नहीं जानी चाहिए, ऐसी जानी चाहिए, ऐसी करनी है। इनको चाहे आप किसी तरह से रस्सी से बांध करके नीचे करें, है ना, और उनको जो है यहाँ पे जो है बीमे फटने शुरू हो जाएंगे। जब आप 45 डिग्री पे ले जाओगे तो बीमे फटने शुरू हो जाएंगे। फिर जो ग्रोथ में जा रहा है उसको जो है समर प्रोनिंग के तहत उसको रोकना पड़ेगा, जिससे जो है आपकी अगली बार से फसल आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। आप अभी सैंपल में जो है कम दाने रखें। हाँ। ज़्यादा नहीं। हाँ। नहीं तो जो है पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा कमज़ोर हो जाएगा। M9 खास करके जो है उसको जो है ये पानी की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, ये कई चीज़ें जो है उसमें ज़्यादा देनी, उसके केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी फ्रूटिंग के मामले में M9 सबसे बेस्ट है। बेस्ट है, नंबर परसेंट। जो आपके शो के अगर यहाँ से कट मांगा तो इधर शूट निकलेगा जी। जो आपको यहाँ से इधर को इधर क्रॉस मांगा तो इधर शूट निकलेगा। हाँ, तो जैसे जो है आँख बाहर की तरफ रहनी चाहिए ना। अच्छा, ये आँख बाहर की तरफ रहनी चाहिए, बाहर की तरफ, और कट ऐसे मारना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये इधर को जाएगा ना, फिर इधर को जाएगा। अगर हम अंदर की तरफ करेंगे तो इधर को जाएगा। अच्छा, यहाँ से कट मारना चाहिए तो ये निकलेगा जी। ये समझ में वो टेक्निकल बहुत टेक्निकल काम है। तो ये मैं सोचता कि कट मार दूंगा, ऐसे मार नहीं सर, नहीं सर, मैं भी सोचता है जाऊंगा ना, कट मार दूंगा मैं। कई लाख यहाँ आके मैं बहुत, मैं कई लाख रुपए तो मैं जो है इसी बात पे खर्च कर चुका हूँ। किसानों के साथ बैठना, किसानों के साथ उठना, किसानों से बातें समझना, उनके